दोस्तों किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना उतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है दोस्तों। बैकग्राउंड इरेज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वो जो नया बैकग्राउंड ना, उस नए बैकग्राउंड के ऊपर जो पुराना वाला फोटो आपने ऐड किया है उसको मैच करना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाता है दोस्तों। बैकग्राउंड मैच कैसे करते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही एक यूनिक जो ट्रिक है वो है डॉजिंग एंड बर्निंग। अगर आप डॉजिंग एंड बर्निंग को अच्छी तरीके से सीख लोगे तो आप चाहे किसी भी फोटो के ऊपर क्यों ना हो, किसी भी फोटो के ऊपर आप कोई भी फोटो को कट आउट करके आप बैठा दो, आप उसको इजीली मैच कर सकते हो। तो गाइस चलिए फिर इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये डॉजिंग एंड बर्निंग कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए मेरे पास आज एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं अपने एक फोटो का कटआउट यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। और उसमें जो लाइटिंग इफेक्ट है उसको कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं ओपन करता हूँ मेरे पिक्सार ऐप के अंदर। मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ ऐड फोटो में और दोस्तों मैं हमेशा अपना जो कटआउट है उसको मैं सेव करके रखता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक कटआउट यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि इस फोटो के साथ अच्छे से मैच होगा। तो ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करूँगा, इसको लेके मैं कुछ ऐसे रखूँगा। दोस्तों डन करने से पहले आपको यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। और अगर आप इसको अभी ही कर लोगे तो आपका काम बहुत ही ईजी बढ़ जाएगा। आप बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड में यहाँ पे राइट साइड से लाइट आ रहा है, लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड से हमें डार्क इफेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको, क्योंकि ये मेरा जो फोटो है यहाँ पे कटआउट मोड में है तो इसको हम अभी एडजस्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, बाद में ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको आना है यहाँ पे इफेक्ट्स पे, ठीक है। आप मॉडल को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पे चले आओ अपने फोटो को। उसके बाद दोस्तों आप नीचे यहाँ पे कलर टैब में चले आओ, ठीक है। कलर टैब में आने के बाद आप देखो लास्ट में आपको ब्राइटनेस फिल्टर मिलेगा, इसको लेके सेटिंग को ओपन करके आपको अमाउंट को इंक्रीज़ करना है कुछ ऐसे, ठीक है। देखो फोटो में ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा आ चुका है और यही हमें चाहिए था दोस्तों। अभी आप दोस्तों यहाँ पे चले आओ यहाँ पे इरेजर पे ऊपर, ठीक है। फिर आप इसको इन्वर्ट कर लो। इन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्रश को ले लो, इसके सेटिंग को ओपन करके हार्डनेस को जीरो करना है और ओपेसिटी को आपको कम करना है बिल्कुल आधा, ठीक है, कुछ ऐसा आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप फोटो को जूम करके आपने बैकग्राउंड के एडजस्ट कर, मतलब एनालाइज कर लिया है कि यहाँ पे राइट साइड से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट साइड से जो लाइट इफेक्ट है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे पेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे बालों से शुरू करता हूँ। तो देखो कितना ईजी यहाँ पे पड़ रहा है ना, तो मैं कुछ ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पेंट कर देना है बहुत ही ज़्यादा, फिर आपको इरेजर को लेके थोड़ा सा आपको धीरे धीरे इरेज भी करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको, आपने एक बार ही पेंट कर दिया और एक बार में ही हो जाएगा, ऐसा डॉजिंग एंड बर्निंग टूल में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको टाइम दोगे तो आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा चमकदार एंड रियलिस्टिक भी लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं धीरे धीरे इसको मैं कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे देखो मेरे शार्ट में यहाँ पे जो कार्ब्स आ रहा है, ठीक है, तो इस कार्ब्स में भी, कार्ब्स के जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे भी आपको लाइट इफेक्ट पेंट करना होगा, ठीक है, उससे ये रियलिस्टिक लगेगा। उसके बाद दोस्तों सेटिंग को ओपन करके थोड़ा सा अमाउंट को डाउन कर देता हूँ कुछ ऐसे, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऊपर से इसको मैं करता हूँ मर्ज। मर्ज करने के बाद आप इसका इन्वर्ट जो है, मतलब इसका जो ऑपोजिट है वो मैं यहाँ पे करूँगा। दोबारा यहाँ पे ब्राइटनेस को सिलेक्ट करता हूँ, सेटिंग को ओपन करके आप दोस्तों अमाउंट को यहाँ पे मैं डाउन करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसे। फिर इरेजर पे चल के इसको इन्वर्ट करके ब्रश को लेके सेटिंग को ओपन करके हार्डनेस जीरो करके ओपासिटी को डाउन करके कुछ ऐसे मैं इस साइड में इसको पेंट करूँगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, तो देखो कितना यहाँ पे अच्छे से मैच हो चुका है ना। तो सिंपली इसको मैं ऊपर से करूँगा डन। अब दोस्तों इसको मैं सेव करके इसको मैं स्नैपसीड ऐप के अंदर बाकी एडिटिंग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाद इसको मैं ओपन करता हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो स्नैपसीड ऐप के अंदर यहाँ पे सिंपली आपको आना है इस पेन टूल में, फिर यहाँ पे आपको आना है ब्रश टूल में, ठीक है। ये जो ब्रश टूल है यही डॉजिंग एंड बर्निंग टूल है, देखो यहाँ पे पहले ही जो सिलेक्टेड है डॉज एंड बर्न, ठीक है, यही आपका सिलेक्टेड है। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले नीचे का ये जो टूल है इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे डॉज एंड बर्न लिखा हुआ है, एक है लेफ्ट साइड का यहाँ पे एक कर्सर है, राइट साइड का एक कर्सर है, मतलब एरो है, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड का कर्सर को क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 5 हो रहा है और मिडिल में आओगे तो यहाँ पे इरेजर आ रहा है, ठीक है। तो इरेजर है मिडिल पार्ट, ठीक है। अगर आप
इसको और भी इधर लिफ्ट की ओर लेके आओगे, देखो -5 एंड -10 मतलब है बर्न टूल। एक्चुअली यहाँ पे इसको इन टूल को यूज़ करके अगर आप इसको पेंट करोगे तो डार्क इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इसको राइट साइड का यहाँ पे एरो है इसके ऊपर जाओगे और यहाँ पे 5 एंड 10 देखो लिखा हुआ है, ये है डॉज, मतलब अगर आप इसको लेके पेंट करोगे तो आपके फोटो में चमक आएगा, मतलब ब्राइटनेस आएगा, ठीक है। तो ये है डॉजिंग एंड बर्निंग का नीचे का जो राज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे डॉजिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को रख के यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे बाल के ऊपर कुछ ऐसे पेंट करता हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं एक डायरेक्शन पे पेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे फेस पे जो यहाँ पे जॉ लाइन है, जॉ लाइन को भी यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ कुछ ऐसे, और जिस तरफ लाइट चाहिए उस लाइट की तरफ हमें यहाँ पे पेंट करना है कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, आप भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देना, और जितना टाइम दोगे उतना आपका फ़ोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड मस्त लगेगा, ठीक है। तो गाइस देखो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ चुका है, इसको मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आना होगा इरेजर में, फिर फोटो को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जूम करके, ठीक है, आप धीरे धीरे इसको फेस के ऊपर से इसको पेंट कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा फेस से, सिंपली मैं ऊपर से भी थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। तो गाइस ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बर्न इफेक्ट देता हूँ, ठीक है, मतलब ब्राइटनेस इफेक्ट मैंने दे दिया है, अब मैं इस तरफ डार्क इफेक्ट दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके -10 पे आके या फिर -5 पे आके कुछ मैं सबसे पहले ऐसे ऐसे पेंट करता हूँ, बाल के बीच में मैं कुछ ऐसे पेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जगह डार्क होता है, और अपने हिसाब से एनालाइज करके कि कहाँ कहाँ पे डार्क इफेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे मैं इसको डार्क इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है मेरा फोटो, ये देखो ये रहा बिफोर एंड गाइज ये देखो ये रहा आफ्टर, कितना ह्यूज चेंजेस यहाँ पे आ चुका है ना। तो दोस्तों अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैंने आपको डॉजिंग एंड बर्निंग टूल यहाँ पे दिखा दिया, अभी यहाँ पे कुछ PNGs मतलब लाइट PNGs ऐड करके इस फोटो को और भी ज़्यादा मस्त बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ, अगर मैं डॉजिंग एंड बर्निंग इफेक्ट ऐड नहीं करूँगा तो मेरा फोटो कुछ ऐसा लगेगा सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करने से, ठीक है, और अगर मैं डॉजिंग एंड बर्निंग यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप इसका ह्यूज चेंजेस देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता तो ज़रूर है, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो रिज़ल्ट बिल्कुल उड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डॉजिंग एंड बर्निंग टूल कैसे ऐड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों आप भी जाओ अपने फोटो के ऐसे एडिटिंग करो, एंड दोस्तों आपका भी फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखा, आपने पूरा बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत ही शुक्रिया। एंड दोस्तों वीडियो को एक बार जाने से पहले नीचे एक लाइक कर देना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है, स्पेशली अपने कुछ एडिटर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।